माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है और सामने भैया बैठे हैं, बहुत बढ़िया कहा है आपने, मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगा। चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, आप सबका मन मांगता हूँ, अच्छी लगे तो फिर तालियों को मत रोकिएगा, बजाते रहिएगा, इससे हमें भी भ्रम पड़ेगा कि हम भी जम रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। अमन की चाह है दिल में, नया आगाज होगा अब। अमन की चाह है दिल में, नया आगाज होगा अब। कोई कहता रहे कुछ भी, दिलों पे राज होगा अब। कोई कहता रहे कुछ भी, दिलों पे राज होगा अब। मेरे होने न होने से कोई मतलब नहीं यारों, मेरे होने न होने से कोई मतलब नहीं यारों। मेरे इस हिंद के लोगों के सिर पे ताज होगा अब। मेरे इस हिंद के लोगों के सिर पे ताज होगा अब। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सरकार के बारे में आप बोल रहे थे, आजकल दूध में मिलावट हो रहा है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो चीज हम खा रहे हैं या फिर पी रहे हैं, सब में मिलावट है, आप सबको पता है, जिसका हानिकारक कितना हम लोगों को दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है। चार पंक्तियां आप सबको निवेदित करता हूं, अगर अच्छी लगे तो फिर तालियों का महोत्सव आप सब कर दीजिएगा, आप सबकी जिम्मेदारी है। जहां होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, जहां होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं। मेरे मालिक मेरे दाता ये कैसी है अजब दुनिया, मेरे मालिक मेरे दाता ये कैसी है अजब दुनिया। दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं, दुकान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुकानों पर जहां होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं। मेरे मालिक मेरे दाता ये कैसी है अजब दुनिया, दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं, दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चार पंक्तियां और आप सबके सामने रखता हूं, उस माँ के लिए। देखिए दो ही माँ होती है, एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है और एक माँ वो होती है जिसे हम धरती माँ कहते हैं। तो इन दोनों माओं का अगर कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा तो गद्दारी कही जाएगी। मैं जब भी हार कर मायूस और सहमा नजर आया, मैं जब भी हार कर मायूस और सहमा नजर आया, मेरी माँ का जो आंचल है मुझे भीगा नजर आया, मेरी माँ
का जो आंचल है मुझे भीगा नजर आया है कि इस नाम में गीता कुरान पाक सी ताकत मेरी माँ है तो सबका कद मुझे पौना नजर आया मेरी माँ है तो सबका कद मुझे पौना नजर आया। और वही कुछ बेटे ऐसे होते हैं जिनका कद इतना बड़ा हो जाता है कि उनके माँ बाप का उनके सामने कद पौना हो जाता है। चार पंक्तियां जो मैंने अपने जिंदगी की सबसे अच्छी लिखी है आप सबको समर्पित करता हूं, अच्छी लगेगी। तीन तालियों पे आप कोई भी खामिश खामोश मत रहना, जो अब तक की मैंने सबसे अच्छी पंक्तियां लिखी। वाह वाह। जो जालिम है उसे हरगिज मोहब्बत मिल नहीं सकती। क्या बात है। जो जालिम है उसे हरगिज मोहब्बत मिल नहीं सकती, किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती। वा, 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 किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती, किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती। कि वृद्धा आश्रम में अपनी माँ को भेजने वालों, कि वृद्धा आश्रम में अपनी माँ को भेजने वालों, किसी की मत पे तुम लोगों को जन्नत मिल नहीं सकती। किसी की मत पे तुम लोगों को जन्नत मिल नहीं सकती। वाह वाह वाह। और अब बात थोड़ी मोहब्बत की कर लेता हूं। जो लोग भी खड़े हैं बैठ जाएं। आप लोग अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। बनारस की सुबह तू ही अवध की शाम हो जाए। बनारस की सुबह तू ही अवध की शाम हो जाए। मेरे दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम हो जाए। मेरे दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम हो जाए। नशे में डूबती आंखें तुम्हारी जब मुझे देखें, नशे में डूबती आंखें तुम्हारी जब मुझे देखें, कहीं ऐसा न हो दिल में मेरे कोहराम हो जाए। कहीं ऐसा न हो दिल में मेरे कोहराम हो जाए। तेरे कांधे पे सर रख कर जो मेरी शाम हो जाए, मैं क्या ऐसा करूं बतला जो मेरा काम हो जाए। मैं क्या ऐसा करूं। तालियां थोड़ा ढेर सारी बजाइए भैया मिलके साथ। जोरदार तालियां बजाते हैं। बात माँ की उसके बाद प्रेमिका की हो रही है। आप सबके अंदर जितने भी आशिक बैठे हुए हैं वो सब खामोश मत बैठो। योगी जी की सरकार है, आज रात में मौका है, कल से मौका नहीं मिलेगा किसी को भी। तेरे कांधे पे सर रख कर जो मेरी शाम हो जाए, मैं क्या ऐसा करूं बतला जो मेरा काम हो जाए। तू मेरी थी तू मेरी है तू मेरी ही रहेगी। सुन जो आए सामने दुनिया तो कत्ले आम हो जाए। जो आए सामने दुनिया तो कत्ले आम हो जाए। दूर दूर से पहले उनको निहारेंगे। वाह करो वाह करो। मतलब एक ही पंक्ति मैं बहुत देर तक सुनाऊंगा, किसी के बारे नहीं आने दूंगा। दूर 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 से पहले उनको निहारेंगे। जान बूझ कर जीती बाजी हारेंगे। वाह वाह। बहती गंगा में तुम धो लो हाथ, मगर मौका देख के हम भी चौका मारेंगे। मौका देख के हम भी चौका मारेंगे। और वाह वाह बहुत अच्छा। एक गीत पढ़ रहा हूं आप सबके सामने। स्वागत है।
ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें वो एक बेटा आपको नजर नहीं आएगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी घर वालों के परिवार के लिए समर्पित कर दी और अंत में उसको क्या मिला। मैं आप सबको एक गीत समर्पित करता हूं, उसके बाद विदा ले लूंगा। इस गीत को मैंने जहां भी पढ़ सुनाया है सब जगह बहुत प्यार मिला है, आप सबको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। सांपों का नर्तन देख लिया, एक बार तालियों का वाह वाह वाह। सांपों का नर्तन देख लिया, साथ साथ ताली बजाते रहिए आप सब। सांपों का नर्तन देख लिया, सारा परिवर्तन देख लिया। सांपों का नर्तन देख लिया, सारा परिवर्तन देख लिया। आंगन में फूल खिलाने को, बगिया बगिया महकाने को। आंगन में फूल खिलाने को, बगिया बगिया महकाने को। मुझको लगता सब मेरे थे पर चारों ओर अंधेरे थे। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला, उसने ही वक्त निकल जाने पर सब परिवर्तित कर डाला। उसने ही वक्त निकल जाने पर सब परिवर्तित कर डाला। दृश्य देखिएगा अगले पंद्र में आप सब। बहना का फर्ज निभाना था, बहना का फर्ज निभाना था। घर का भी कर्ज चुकाना था, बूढ़ी आंखों का लाज था। मैं सब कहते थे कि ताज था मैं, बूढ़ी आंखों का लाज था मैं। सब कहते थे कि ताज था मैं। माँ बाप गए सब छूट गया, रिश्तों का बंधन टूट गया। अपनी खुशियां अपने सपने सरयों में विसर्जित कर डाला। अपनी खुशियां अपने सपने गंगा में विसर्जित कर डाला। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला। और अंतिम बंद, सब कुछ गंवाने के बाद, सारे रिश्ते नाते टूटने के बाद वो इंसान कहां खड़ा नजर आता है। ये आपके हर परिवार, आपके परिवार में एक इंसान ऐसा जरूर होगा। वाह वाह। जब आंख खुली सब छूटा था, जब आंख खुली सब छूटा था। खुद की नजरों में टूटा था, जब आंख खुली सब छूटा था। खुद की नजरों में टूटा था, अपनों के हाथ में खंजर था। मैं सहम गया जो मंजर था, अपनों के हाथ में खंजर था। मैं सहम गया जो मंजर था, था खड़ा मौन सब हार गया। जीते जी यह दुख मार गया, जो थी प्राणों से प्यारी उसका जीवन खंडित कर डाला। जो थी प्राणों से प्यारी उसका जीवन खंडित कर डाला। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, बहुत